फिल्म शिम्बोल एक्सप्लेन करता है एक ऐसे जॉम्बी मूवी जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो सबसे पहले हमें मूवी में एक शहर को दिखाया जाता है जहां पर जॉम्बीज का कहर मचा हुआ था। वहां पर मोली और उसके बॉयफ्रेंड निक को देखते हैं जो कि मुसीबत से बचने के लिए गाड़ी से शहर के बाहर निकल रहे थे और वह रेगिस्तान से गुजर कर एयरफील्ड की तरफ जा रहे थे जहां पर उन्हें जिमी नाम का एक आदमी मेक्सिको लेकर जा रहा था। तभी मोली की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगती है तो वह वहीं पर गाड़ी रोककर आराम करने लगती है। तभी निक उसे बताता है कि एयरफील्ड यहाँ से करीब 16 माइल दूर है। तभी निक कार स्टार्ट करने लगता है और गाड़ी आगे नहीं चल रही थी। तभी वह पीछे देखता है कि गाड़ी का एक टायर रेत में फंस गया था जिसके कारण गाड़ी आगे नहीं चल सकती थी। तभी वह दोनों एक दूसरे को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से गाड़ी रेत में फंस गई है। तभी निक की मदद के लिए जिमी को फोन करता है। तभी वो रेगिस्तान में होने की वजह से वहाँ पर सिग्नल नहीं हो पाता, इसी कारण कॉल नहीं जा पाती। तभी मोली पीछे मुड़कर देखती है कि वहाँ पर एक आदमी उनकी ओर चलता हुआ आ रहा था। तभी निक को पता चलता है कि वो आदमी एक जॉम्बी होता है। इसके बाद निक डर जाता है और जॉम्बी को मारने के लिए वहाँ अपनी कार से गन निकालता है और गन निकालते वक्त उसका फोन जमीन पर ही गिर जाता है और वह लगातार फायर कर रहा होता है और इसी वजह से एक निशाना जॉम्बी के माथे पर जाकर लगता है जिससे वे दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि गोली तो जॉम्बी को लगी ही नहीं थी और गोलियां सारी खत्म हो चुकी थी जिसकी वजह से वह दोनों डर कर कार के अंदर बैठ जाते हैं। तो वहां पर निक चिंता में बैठ जाता है और वह किसी को फोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका फोन अब बाहर गिर गया था। इसके बाद वह दोनों जॉम्बी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। तभी रात भी हो जाती है तो निक कार का हेडलैम्प चला देता है और जॉम्बी को आसपास देखता है तो वह उसे नहीं मिलता। तो मोली बाहर आती है और वह फोन वापस लाने लगती है। तभी पीछे से जॉम्बी आकर निक को काट लेता है। इसी वजह से मोली काफी डर जाती है और वह सारी जरूरतमंद चीजों को कार से बाहर निकाल लेती है और रात को ही कार छोड़कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद मोली एयरपोर्ट पर जाने के लिए जिमी को कॉल करती है। तभी फोन में नेटवर्क नहीं आने की वजह से फोन कट जाता है। इसी वजह से वह काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद मोली मैप में सुरक्षित जगह रहने के लिए रास्ता ढूंढती है। तभी वह सोचती है कि वह एयरफील्ड तक पैदल चलकर ही जाएगी। इसके बाद वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगती है और उसके पास सिगरेट और पानी जैसी ही चीजें होती है। इसके बाद उसके ऊपर से दो एयरक्राफ्ट गुजर जाते हैं तो वह देखती है कि एयरक्राफ्ट उनके टीम के ही है। इसके बाद आगे चलते चलते रात हो जाती है और वह किसी जगह पर आग जलाकर बैठ जाती है जहां पर वह अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी आंख लग जाती है जिसकी वजह से वहां पर जॉम्बी आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। तभी वह एकदम से डर कर भागने लगती है और एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद वहां पर सुबह हो जाती है और वह अपने आप को वही चट्टान पर पाती है। तभी वह देखती है कि जॉम्बी उसके चारों ओर मंडरा रहे होते हैं और वह उस पर अटैक करने वाला ही होते हैं। तभी वहां पर डंडी से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है लेकिन जॉम्बीज वहां से कहीं नहीं जा रहे थे। इसके बाद कैसे ना कैसे करके वह वहां से भागती है लेकिन जॉम्बी अब उसका पीछा कर रहा था। तभी वह एक घर को देखती है जो कि बिल्कुल सुनसान होता है। तभी वह वहां पर जाती है और उसकी आंख वहीं पर लग जाती है लेकिन जब वह उठती है तो उसे किसी की आवाज आने लगती है तो वह देखती है कि वहां पर भी जॉम्बी होता है। तो वह डर के मारे वहां बाथटब में छुप जाती है जिसके बाद सुबह होने के बाद वह वहां से भाग जाती है लेकिन जॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वह धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद मोली धीरे धीरे चलने लगती है क्योंकि ऊपर से बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। उसके पास पानी भी खत्म हो जाता है जिसके कारण उसकी स्किन लाल पड़ जाती है और वह अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मोली एक बार डांसर होती है और वह अपनी जिंदगी से काफी खुश थी। इसके बाद रात हो जाती है और मोली काफी परेशान हो जाती है और उसके पास से खाना पानी कुछ भी नहीं था और वह आग जलाकर उन चट्टानों के पास रात गुजारती है जहां पर वह जॉम्बी धीरे धीरे वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे चलता था। तो वह इस सफर में उसका अच्छा खासा दोस्त बन जाता है और वह उसे काट भी नहीं रहा था। इसके बाद अगली सुबह जिमी मोली को फोन करता है और उससे कहता है कि उसके पास थोड़ी देर का समय है, अगर वह एयरपोर्ट पर आना चाहे तो आ सकती है, नहीं तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद मोली आगे बढ़ने लगती है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है और पानी की बोतल भी खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद वह देखती है कि रेगिस्तान में तूफान आ रहा होता है और वह उस तूफान में फंस जाती है जिसके कारण उसका सारा सामान गुम हो जाता है। और वह जब आँख खोलती है तो देखती है कि आगे से कोई गाड़ी लेकर आ रहा होता है
तभी गाड़ी रुकती है और वहाँ पर दो लड़के गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उसे पानी देते हैं। इसके बाद वह गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, जहाँ पर मौली उनसे कहती है कि उसका बैग कहीं पर खो गया है, जिसके कारण वह उसे ढूंढने लगते हैं। इसके बाद मौली अंदर कुछ फोटोग्राफ्स देखती है और वह समझ जाती है कि ये दोनों चोर लुटेरे हैं। तभी वह अंदर आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद उनमें से एक मौली का गला घोट देता है, जिसके कारण मौली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी चीख की आवाज से जोंबी वहां पर आ जाते हैं और वह आज जोंबी आदमी को काट लेता है, जिसके कारण दूसरा आदमी वहां से भाग जाता है और कुछ सामान गाड़ी के पीछे गिर जाता है, जिनको मौली उठा लेती है और उसे रास्ते में यूज करने लगती है। इसके बाद उसे रास्ते में एक बोट मिलती है जो कि काफी भारी होती है और वह उसे खींच नहीं पा रही थी। जोंबी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद वह बोट को जोंबी के गले में एक टायर से बांध देती है और वह बोट को घसीटकर उसके साथ चलने लगता है। इसके बाद वह जोंबी को ही अपना पास्ट सुनाने लगती है और बताती है कि कैसे उसके छोटे बच्चे का जन्म हुआ था और उसकी परवरिश नहीं हो पाई, जिसके कारण वह काफी दुखी होती है। और इसके बाद वह जोंबी को एक पेट की तरह ट्रेन करने लगती है और वह उसकी बात मानने लगता है और वह कहती है कि अगर वह उसकी बात मानेगा तो वह उसे अपने साथ ले जाएगी, नहीं तो वह उसे यहीं छोड़ देगी। और वह उसे पत्थर से बांध देती है, जिसके बाद थोड़ी देर वह आराम करते हैं और वो थोड़ी देर बाद फिर से चलने लगते हैं। तभी वह हाईवे पर जा पहुंचते हैं, जहां पर मिलिट्री के टैंक उन्हें आते हुए दिखते हैं, जिससे कि वो समझ जाती है कि वो अगर उन्हें जोंबी दिखेंगे तो वह इन्फेक्टेड समझकर मुझे ही मार डालेंगे। इसलिए वह जोंबी को साइड पर छुपा देती है और इसके बाद मिलिट्री वाले वहां से उतरने लगते हैं तो उस पर गन लगाकर पूछते हैं कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो। तो वह उसे बताती है कि मैं बिल्कुल इन्फेक्टेड नहीं हूं। तभी अचानक से पीछे से जोंबी आ जाता है। तभी मिलिट्री सोल्जर उसे गोली मारने लगते हैं, जिससे वह काफी बुरी हालत में नीचे लेट जाता है। तभी मौली उनसे कहती है कि वह उसे नहीं मारे क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इसके बाद देखते ही देखते वह मौली की उंगली काट लेता है, जिसके बाद मौली इन्फेक्टेड हो जाती है और मजबूरन उसे अपनी उंगली काटनी पड़ती है। और इसके बाद मौली जोंबी को वहीं पर छोड़ देती है और उसे अलविदा कहती है और उसके बाद वह उस जोंबी को मार देती है क्योंकि वह उसका दर्द नहीं देख पा रही थी। इसके बाद वो बूथ में जाकर अपने बेटे को फोन करती है। उसका बेटा बताता है कि यहाँ पर जोंबीज घुस चुके हैं और वह काफी टेंशन में हो जाती है। इसके बाद मौली को पता चलता है कि वह सोचती है कि उसकी बहन इन्फेक्टेड हो चुकी है और वह एक बेडरूम में काफी दिनों से कह रही थी कि मौली को मेक्सिको जाना कैंसिल कर देते हैं और वह अपने बच्चों के पास जाने के लिए वेगस जाने का डिसाइड करती है, जहां पर वह किसी कार को देखती है और उसे घर जाने के लिए कार की चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वह सीधा वेगस जाकर पहुंचती है, जहां पर बहुत बुरा हाल हो चुका था। और इसके बाद वह अपने घर जाती है और अपनी बहन को मरा हुआ देखती है और अपने बेटे को ढूंढ लेती है और किसी टेंट में छुपा हुआ पाती है। इसके बाद वह उसे बाहर निकालती है, लेकिन जोंबीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और पीछे से आकर वह उन पर वार करने लगती है। और हमें मूवी यही खत्म दिखाई जाती है। तो कैसी लगी आपको ये जोंबी मूवी, आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं और ऐसा ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।